हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मंथली टैरो कार्ड रीडिंग में। और आज की रीडिंग का टॉपिक है पाइसिस सोल ट्राइब, यानी कि पाइसिस सोल ट्राइब का अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। अगस्त 2024 का ये जो 8वां महीना है ये कैसा रहने वाला है। और ये आपकी जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, ओवरऑल रीडिंग है। इसमें आपकी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश की जाएगी। और उसके बावजूद भी हो सकता है कोई एस्पेक्ट बिल्कुल भी पता ना चले, सो उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। कार्ड्स के थ्रू जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है उतनी लेने की कोशिश करेंगे। और जनरलाइज्ड है, कलेक्टिव है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है ये आप लोगों की। सो हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आपको ना अच्छी लगे, ना समझ आए और ना अपने आप से बिलोंग करती हुई लगे। तो जितना पार्ट आप लोगों को ईजिली लगता है कि ये सुना सुना लग रहा है, ये मेरी कहानी से मिलता जुलता है, मेल खाता है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेट करना। आप लोग ये भी पूछते हैं मुझसे कमेंट में कि मैम रेजोनेशन का क्या मतलब है, रेजोनेट करते हैं इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये रीडिंग ऐसी लगे कि आपकी ही कहानी को, आपकी ही लाइफ की स्टोरी को बता रही है, इट मीन्स ये फिर आपकी ही रीडिंग है। और 100% कोई भी बिलोंग नहीं करता है, बहुत कम होता है कि लोग 100% बिलोंग कर पाते हैं। तो अगर आप 30-40 या 50% भी रेजोनेट कर पाते हैं ना, तो फिर तब भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, सो गाइस ये हैं आप लोगों के कार्ड्स और इन कार्ड्स से हमें इनफ इंफॉर्मेशन आई थिंक मिल जाएगी। और यहाँ पे है फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स के इतने ज्यादा कार्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, द व्हील एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, सो गाइस कार्ड्स आपके सामने हैं और सोर्ड्स का एनर्जी बहुत ज्यादा आया है। और सोर्ड्स का एनर्जी बताता है बोलने से रिगार्डिंग ना जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइफ में, या तो बोलने के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें ठीक हो जाती हैं उनको हम सोर्ड्स के थ्रू देखते हैं, या फिर बोलने के ही थ्रू जो झगड़े होते हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशन होती है, उसको भी सोर्ड्स दिखाते हैं। और सोर्ड्स के कार्ड ये भी बताते हैं कि जो चीज़ें हैं ना गर्मा गर्मी में हुई हैं, यानी कि जो सोर्ड्स है मतलब तलवार काटने के काम आता है, युद्ध लड़ने में काम आता है, तो उसको अगर सिंबल बनाया है एक सूट का, चार सूट्स होते हैं जैसे कि टैरो में, तो उसको अगर एक सूट का मालिक बनाया है, तलवार से उसको दिखाया है, तो वो तलवार में ये भी रहता है कि चीज़ें तेजी से हुई होंगी। तो हो सकता है हाल फिलहाल आप लोगों की लाइफ में ना रिसेंट पास्ट में इस तरह की चीज़ें हुई हों, ठीक है, कि जो बहुत नागवार आपको गुजरी हो, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक रही हो, जिन्होंने आपकी रातों की नींद छीन ली हो, जिन्होंने आपके दिन का चैन लूट लिया हो, आपको नींद भी नहीं आ रही है अच्छे से, आपको डरावने सपने आ सकते हैं, आपको डरावने ख्याल आ सकते हैं। और हो सकता है आप अभी रिसेंटली इन चीज़ों से गुजरे हों या अभी भी काफ़ी सारा रेजिड्यू, क्योंकि ये कार्ड ना रेजिड्यू का होता है कि चीज़ हो गई है लेकिन हम उसे अपनी साइकी में कैरी कर रहे हैं, उसके भार को, वो भार हमारे मन पे अभी भी है। तो इसीलिए बोल रही हूँ कि रिसेंट पास्ट है आप लोगों के केस में ना ये, तो कुछ ब्रेकअप्स हुए हैं लोगों के, गंदे वाले ब्रेकअप्स, झगड़े, सेपरेशंस, लीगल इश्यूज, कोर्ट केसेस, और कुछ फ्रॉड्स हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, फ्रॉड्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं, लाइक कोई दोस्त पैसा ले लेता है, कोई रिलेटिव पैसा ले लेता है, और फिर आपका ये हाल होता है कि पैसा तो मिलता ही नहीं है, रिलेशन भी ख़राब होता है, या फिर आप अपना पैसा मांग नहीं सकते हैं, स्टक मनी है, बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल लॉसेस है यहाँ पे, ढेर सारे लोगों ने काफ़ी कुछ खोया है, समाज में एक रुतबा होता है वो भी स्टेक पे लगा है, और आपकी हेल्थ स्टेक पे लगी है। स्टेक पे लगना यानी कि आपकी हेल्थ में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हैं। एक होता है ना कि संकट में आ जाना, तो स्टेक यानी कि संकट में आ गई, तो आपकी हेल्थ भी संकट में आ गई है कहीं ना कहीं। और ये देखो यहाँ पे दिखाया है प्रॉपर से, ये बेड दिखाया है छोटा सा, बड़ा धीरे धीरे दिखाया है, मतलब
हल्का हल्का दिखाया है और ये पिलो यहाँ पे अच्छे से दिखाया है। तो ये कार्ड बताता है कि आपको एंग्जाइटी, इंसोमनिया, डिप्रेशन, जो नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है, उस तरह की प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई हैं इस हादसे के बाद। हादसा कुछ भी हो सकता है आप लोगों के लिए, आप लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं, लीगल इश्यूज हो सकते हैं, सेपरेशंस हो सकते हैं, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के केसेस में कोई सपना है, वो सपना टूट जाना, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, वो जॉब हाथ नहीं लगी, किसी ने धांधली कर ली, किसी ने धोखा कर लिया, या आपने किसी के साथ कोई सीक्रेट शेयर किया था, अपनी लाइफ शेयर की थी, कुछ भी शेयरिंग की थी, कुछ इंटीमेट चीज़ें सामने वाले को बताई थी, उसने अफवाह बना के उनको उड़ा दिया। तो इस तरह से ना, मतलब स्टिग्मा वाले कार्ड्स हैं ये ना, कि इज्जत पे एक दाग लग जाना और मतलब आपका तेज कम हो जाना, आपका रुतबा कम हो जाना, उस तरह की चीज़ें आपके साथ ना रिसेंट पास्ट में हुई हैं। और धोखे वाली चीज़ के बारे में मैं इतना क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये वाला कार्ड आया है सेवन ऑफ सोर्ड्स, और नेगेटिव सोर्ड्स वाले कार्ड इतने आ जाना, वन टू वन, बैक टू बैक आ जाना, ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो आपके आसपास इस तरह के लोग हैं, एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस तरह के लोग तो हैं पाइसेस सोल ट्राइब आप लोगों के आसपास ना, जो आपका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि रिसेंटली हुआ है, ये आपकी लाइफ का एक पैटर्न हो सकता है कि आप जिस पे भी विश्वास करते हैं वही आपका विश्वास तोड़ता है, जिससे भी आप प्यार करते हैं वही धोखा देता है, जिसको भी आप अपना समझते हैं वही बैक स्टेपिंग करता है, और जिसके भी कंधे पे आप सर रखते हैं वही कहीं ना कहीं नीचा दिखाता है। तो थोड़ा कन्फ्यूजन भी हो सकता है आपकी साइकी में, कि बहुत कन्फ्यूज भी फील कर रहे हो आप लोग ना, आपको समझ भी नहीं आ रहा, दिशाविहीन, दशाविहीन, परेशान, दुख, तकलीफ और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और डाउट हो गया है। एक ट्रस्ट इश्यूज आते हैं ना एक इंसान को, ट्रस्ट इश्यूज कि अब मैं ट्रस्ट किसको करूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जिन लोगों की वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज आए हैं ना, वो अभी भी आपकी लाइफ में हैं, क्योंकि वो कुछ इस तरह के रिश्तों में आपके साथ हैं इस लाइफ टाइम में कि उनसे आप चाह के भी ना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो ये लोग आपके साथ हैं, अभी भी हैं, थे और रहेंगे, और आपके शक की सुई ना इन पे जाती भी नहीं है, क्योंकि ये इतने मीठे हैं, इतनी मीठी छुरी हैं, इतने प्यार से, जिसे कहते हैं ना कि अपना मतलब निकालते हैं, इतने प्यार से क्या बोलते हैं उसको ना, एक चीज़ बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि हाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब ना इनका काम भी निकल जाता है और आपको कानो कान खबर भी नहीं होती है कि काम कैसे निकला है। तो इस तरह के लोग हैं आपके पास ना, जो बेसिकली एक चोर प्रवृत्ति होती है ना, क्लिप्टोमैनियक होते हैं, कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस उनको चोरी करना है, उनको एक 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 उनका ऑब्सेशन है कि चोरी करना है। अब ये चोरी आपकी फिजिकल चीज़ों की चोरी भी करते हैं, हो सकता है आपका कोई गहना, कोई जेवर, कोई कभी नकदी, ये चीज़ें गायब हुई हो, या आपकी कोई चीज़ आपने इनको दिखाई हो और वो चीज़ चोरी हो गई हो। और बहुत लोगों के केस में ये हो सकता है कि आपकी कंस्टेंट आपकी लाइमलाइट को चुराना, कंस्टेंट आपकी पीस ऑफ माइंड को चुराना, कंस्टेंट आपकी लाइफ में ना, जैसे बोलते हैं कि लंका लगाए रखना, और आपको पता भी नहीं चलेगा, इन पे आपके शक की सुई भी नहीं जाएगी। आपको शक किस पे होगा? खुद पे शक होगा, सेल्फ डाउट करेंगे आप। जब भी कोई गड़बड़ होगी ना, तो आपको लगेगा आपकी गलती है, लाइक कोई चीज़ आपने कहीं रखी और इन्होंने वो चीज़ छुपा दी, तो आपको ना इन पे शक नहीं जाएगा, क्योंकि इतना मीठा मीठा आपके साथ रहेंगे, आपके साथ लिटरली उस चीज़ को ढूंढेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, आपको ऐसा डिस्गाइज करेंगे कि हाँ मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे दुख में शामिल हूँ, लेकिन वो चीज़ इन्होंने ही मिसप्लेस की होगी। अब वो चीज़ मिसप्लेस होगी, उसका अभी यूज़ है, अभी कोई काम आपका रुक जाएगा उस चीज़ की वजह से, फिर बाद में वो चीज़ मिल भी जाएगी, बहुत बार ऐसा भी होगा वो चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं है। मीनवाइल आप अपने बारे में क्या सोचोगे कि मैं कितना भुलक्कड़ हूँ, मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ, मुझे कोई भी काम ढंग से करना नहीं आता है, मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं संभाल सकती हूँ या संभाल सकता हूँ, मैं ही नालायक हूँ, आई एम गुड फॉर नथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ मुझ में ही कमी है, मैं अपनी चीज़ों को ध्यान नहीं रख सकती या रख सकता। तो इस तरह से ये आपकी लाइफ में कंस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट करते आए हैं। तो आपके केस में मैं आपको यही समझाना चाहूंगी कि
कि आप फॉर टाइम बीइंग ना अपने सीक्रेट्स किसी को शेयर ना करें, अपनी चीजें किसी को ना दिखाएं, थोड़े टाइम के लिए ना सीक्रेटिव से बन जाएं कि किसी से कोई बात नहीं करनी। ऐसी बातें जिसका कोई मजाक उड़ाया जा सकता है, ऐसी बात जिसका कोई फायदा उठाया जा सकता है, उस तरह की बातें आप फॉर टाइमिंग ना किसी से भी ना करें, क्योंकि अभी आप इनको पहचान नहीं पाएंगे। ये जिससे बोलते हैं ना आस्तीन के सांप होना, और ये आपके साथ ऐसे रिश्तों में होंगे बाई चांस कि आपका शक अपने ऊपर भी जाएगा 1%, लेकिन इनके ऊपर नहीं जाएगा, और ये ही आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ये आप इनको अभी पकड़ नहीं पाओगे। अभी मैंने आपके लिए क्या बोला है, ठीक है? एक तो इन दो कार्ड से जो मुझे अपने आप को लगा कि आपको ये करना चाहिए, तो मैंने वो बोला। एक ये कार्ड भी कुछ कह रहा है, ये कार्ड है फोर ऑफ सोर्ड्स का। ये बताता है कि इसकी सिचुएशन कितनी खराब है, यानी कि ये आप हैं, ये जो लेडी है, आप जेंट्स भी हो सकते हैं, डजंट मैटर, यहाँ पे एक ही बन सकता है तो एक बना है। तो ये बताता है, फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ जाए ना, आप समझ जाओ कि भाई बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा वाट लगी पड़ी है, बहुत ज्यादा लाइफ खराब हुई हुई है इस इंसान की। ये देखो, इसका हार्ट भी बाहर लटक रहा है, सीने से दिल भी निकल के बाहर आ गया है। तो मतलब इस तरीके से बैक स्टेपिंग करना, इस तरीके से जैसे कि बोलते हैं ना पीठ में खंजर घोंपना, ठीक है? और ये सामने से वार करने वाली पार्टी नहीं है, ये पीठ में खंजर घोंपने वाली पार्टी है। और थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी आपकी लाइफ में हो सकता है किसी ना किसी फॉर्म में। थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट मीन्स डजंट मीन कि कोई लव रिलेशनशिप ही आपके पार्टनर का किसी के साथ है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के पेरेंट्स भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स आपके पार्टनर की जॉब भी हो सकती है, थर्ड पार्टी आपके पेरेंट्स बार बार पेरेंट्स निकल रहे हैं, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर का मोबाइल भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब जो आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा करे, ठीक है? फिजिकल दूरियां पैदा करे चाहे साइकोलॉजिकल दूरियां पैदा करे। तो उस तरह की चीजें हैं कि आप परेशान तो बहुत हैं फिलहाल, और कंफ्यूज भी बहुत है, और हेल्पलेस भी फील कर रहे हैं। और अभी आपको जो यूनिवर्स है वो भी यही कह रहा है कि थोड़े टाइम के लिए ठहर जाओ, जहाँ हो वहीं ठहर जाओ, चुप हो जाओ, शांति से बैठो। अभी जो खेल चल रहा है ना, इसको चलने दो कभी, क्योंकि अभी आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे, क्योंकि चीजें खराब हो रही है, बट कर कौन रहा है? अभी आपको वो सामने नहीं आएंगे लोग, अभी वो सामने नहीं आएंगे, आप उनको पकड़ नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। क्यों नहीं पकड़ पाओगे, क्यों नहीं पहचान पाओगे? क्योंकि वो ऐसे रिश्तों में है कि अगर कोई सामने से पकड़ के आपको ला भी दे कि यार ये है कल्प्रिट, तो आप उस पे गुस्सा होगे जो पकड़ के उस कल्प्रिट को लाया है, ना कि कल्प्रिट पे, क्योंकि अभी वो आपकी इतनी गुड बुक्स में है, आपके रिश्तों में इस तरह से आए हुए हैं। और बहुत बार ना भगवान हमें जो हमारे नियर एंड डियर वंस होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, वो ना कार्मिक रिलेशनशिप में बना के देता है। तो इस बार आपकी लाइफ कार्मिक है, क्योंकि आपके मेन मेन रिलेशन जो हैं कार्मिक है, तो अभी नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो जिसे बोलते हैं ना कि एक मडी वाटर है, यानी कि ना मिट्टी वाला पानी है, तो क्या करें? तो मिट्टी वाले पानी को ना थोड़ा रख दो, वेट करो, एक घंटा, दो घंटा, एक दिन, दो दिन, जब तक ऊपर ना क्लियर क्लियर पानी ना आ जाए, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। तो क्लैरिटी आने के लिए कहीं ना आपको वेट करने की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है, भगवान से हेल्प मांगने की जरूरत है, ठीक है? और वो जो पानी है, मडी वाटर जो है, उसको हिलाइए मत, ठीक है? उसको छेड़िए मत। तो फिलहाल यही है कि छेड़ो मत, जो जैसे चल रहा है चलने दो। थोड़ा सा अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए थोड़ी देर शांत होने की जरूरत है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ना शांत होने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और अपनी सेहत को ठीक करने के लिए, सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए, और थोड़ी देर ठहर के ना राहत की सांस लीजिए आप लोग, और भगवान पे फॉर टाइम बीइंग ना सब कुछ छोड़ दीजिए कि ये मुझसे बहुत मुश्किल हो रहा है, मुझसे नहीं संभल रहा है, तुम आके मेरी मदद करो, ठीक है? क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, ये आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि ये आपके बस की बात नहीं है। ये जो भी लोग हैं जिन्होंने आपको परेशान किया हुआ, ये आपके रिश्तों में ही हैं, और इतना इजी नहीं है कि इनको छोड़ देना, इनसे दूर हो जाना। किस किस से दूर होगी, छोड़ के जाओगे कहाँ? अगर अपनी ही फैमिली के लोग, अपने ही पार्टनर, अपना ही पार्टनर, अपना ही हस्बैंड, अपना ही वाइफ इस तरह की हरकतें करता है, तो आप जाओगे कहाँ? ये भी तो बात होती है ना, कि आपके लिए ना जाने के लिए अभी जगह नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। अब ये है अगस्त की आपकी एनर्जी, अब ये एनर्जी है आप लोगों की ना, ये है आपकी परिस्थिति, ठीक है? ये है आपका एनवायरनमेंट, और ये है आपकी अगस्त की एनर्जी, क्योंकि अगस्त में ना एनर्जी वैसे ही बूस्ट होगी सभी की। अब रीडिंग पाइसेस सोल ट्राइब की है और कार्ड उनके लिए आया है, तो उनके लिए बोल रही, बट ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली, चाहे आपका जोडियक साइन कोई भी हो और आप दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो और आप किसी भी डेट को पैदा हुए हो,
अगस्त में वैसे ही लायंस गेट पोर्टल खुलता है 8 अगस्त को, 8/8 पोर्टल उसको बोलते हैं। उसके थ्रू सर्ज ऑफ एनर्जी वैसे ही रहता है, हर किसी की हेल्थ में थोड़ा सा चाहे बदलाव आए लेकिन आएगा, तो आपकी भी हेल्थ में यहाँ पे सुधार है। और बेसिकली मैं इसको हेल्थ में ही देख रही हूँ क्योंकि आपकी हेल्थ की यहाँ पे बैंड बजी हुई है। आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, आपको एकदम से एनर्जेटिक फील होगा, जो आपको डिप्रेशन जैसा फील होता था कि आपका कोई काम करने का मन नहीं करता था, आपको नींद नींद आई रहती थी, आपका खुद का ध्यान रखने का मन नहीं करता था, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी थी, तो यहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी क्योंकि यहाँ पे ना सन की एनर्जी है। इसका इसका आप देखिए, ये देखिए सारे काले काले कार्ड्स हैं, नेगेटिव है, रात हुई हुई है जैसे ना, और यहाँ पे जैसे कि दिन निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है, येलो येलो यहाँ पे ऑरा है, तो आपके ऑरा में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट आएगी और आप बहुत अच्छे से ना आप डिसीजन ले पाएंगे, क्लैरिटी आएगी आपको। मैंने बोला है ना, क्लैरिटी के लिए आप थोड़ी देर शांत बैठिए, कुछ दिनों के लिए मौन धारण कर लीजिए, शांत हो जाइए, भगवान की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ सेवा देनी शुरू कीजिए। और आपको पता है, अगर आपको अपने कर्म काटने हैं ना, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है ना, तो इसके लिए सबसे सबसे एक्यूरेट चीज़ होती है कि आप सेवा करनी शुरू कीजिए, ठीक है, चैरिटी और सेवा। लेकिन आपके केस में सेवा है, सेवा क्या होती है, हाथ से किए गए काम, किसी की भी सेवा करनी शुरू कीजिए। आप गाय की सेवा करनी शुरू कर दीजिए, आप जो एनिमल्स हैं उनकी सेवा करनी शुरू कर दीजिए, यानी कि कुत्ते को रोटी देना शुरू कर दीजिए, मछलियों को चारा डालना शुरू कर दीजिए, चारा यानी कि छोटी छोटी जो गोलियां होती हैं वो, और जो बर्ड्स हैं उनको फीड करना शुरू कर दीजिए। तो ये होती है सारी की सारी सेवा। या आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी आपका रिलीजियस प्लेस है, जहां भी आपका मन लगता है वहां पे जाके साफ सफाई, जूतों की सेवा, या फिर खाने की लंगर की सेवा जो होती है, कुछ भी कोई भी सेवा जो आप कर सकते हैं वो करनी शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी में, ये तो मैंने आपके लिए बताया, ओवरऑल जनरली बताया है, लेकिन अगस्त में, अगस्त एक प्रोमिस के साथ आया है कि बहुत अच्छा ऑरा लेके आया है। और आप लोगों के लिए ना 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स है कि आप बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, 8 नंबर का कार्ड और पेंटिकल्स। पेंटिकल्स के कार्ड स्लो होते हैं क्योंकि ना अर्थ के कार्ड हैं, लग्जरीज के कार्ड तो होते हैं लेकिन चीजें धीरे 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 ग्रो होती है। जैसे कि ये रिसेंट है, जितने भी सोर्ड्स के कार्ड होंगे वो रिसेंट घटनाओं को बताएंगे कि अभी अभी हुई है या अभी अभी होगी, जल्दी से होने वाली घटनाएं। पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं स्लो 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 हुई है चीजें, क्योंकि अर्थ का कार्ड है, अर्थ में आप सब चीजें स्लो स्लो होती है। तो 8 नंबर का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि रुपया, पैसा, धन दौलत, प्रोस्पेरिटी, और ये आपकी जॉब का भी हाल बताता है, ये आपके बिजनेस का भी हाल बताता है, ये आपकी सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, जितना भी एस्पेक्ट है इन सब चीजों का, अबेंडेंस, उन सब के बारे में बताता है कि आपके पास काफी होगा। अगस्त का वो मंथ है जब आपने अगर कोई पॉलिसीज ली हैं तो उनके काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने की हैं तो आप देखेंगे कि वो ग्रो हो रही हैं, और आप कंसिस्टेंटली बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहे थे, चाहे कंपटीशन की विन है वो, चाहे आप बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, चाहे आप कोर्टशिप में थे, या चाहे आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एक ड्रीम जॉब में थे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना चाहते थे, कोई भी ऐसी चीज जहां आप मेहनत डाल रहे हैं काफी लंबे टाइम से, कंसिस्टेंटली अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो वहां पे रिजल्ट पॉजिटिवली आपको अगस्त के मंथ में मिलेगा। तो वो आपने देखना है कि आपका टाइम और एनर्जी और आपकी मेहनत काफी टाइम से कहाँ पे जा रही है। और यहाँ पे है हाई प्रिस्टस का कार्ड आया है, और ये ना हम बोलते हैं कि उसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, मेरी इंट्यूशन उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि इंट्यूशन हम सबकी स्ट्रांग है, हम सबको बराबर इंट्यूशन देके भगवान ने भेजा है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है कि हमारी सेंसिटिविटी उतनी नहीं है कि हम उस इंट्यूशन के साथ ट्यून इन करके उसको डिकोड कर पाए। इंट्यूशन सबकी बराबर है, लेकिन देखने में ऐसा लगेगा कि सबकी इंट्यूशन बराबर नहीं है क्योंकि वो सेंसिटिविटी लेवल नहीं है। जैसे कि रेडियो है, ठीक है ना, रेडियो पे आप रेडियो को घुमाते हो तो इस फ्रीक्वेंसी पे ये 98 FM आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, तो एयर में वो सारी की सारी वेव्स ऑलरेडी हैं। तो वो जो कंपस आप घुमाते हो ना कि यहाँ पे 98 आ गया, यहाँ पे 93 आ गया, यहाँ पे ये वाला चैनल आ गया, तो उसका उसकी डिकोडिंग हुई नहीं हुई है कुछ लोगों की। तो
यहाँ पे ये मैं क्यों समझा रही हूँ आप लोगों को कि जब भी हमारी लाइफ में ना दुख, तकलीफ, कष्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, एक लिमिट क्रॉस कर जाते हैं ना अपनी, तो वो जो कंपस है हमारा, जो मैंने जिसके बारे में अभी बात की, वो बहुत अच्छे से ट्यून इन होने लगता है। और क्योंकि सभी के पास इंट्यूशन है और सभी के पास स्ट्रॉन्ग वाली इंट्यूशन है, तो उस इंट्यूशन के साथ ट्यून इन करने लगता है इंसान। तो अभी आप इतना तकलीफ से गुजरे हैं, इतनी प्रॉब्लम से गुजरे हैं कि आपने काफ़ी सारा इंट्यूशन डेवलप किया है और आप कर रहे हैं। और जिस दिन आप अच्छे से ट्यून इन हो जाएंगे ना, अब बोलने में बोलना पड़ता है कि इंट्यूशन डेवलप कर रहे हैं। आप इसको मैं बोलूँ तो कैसे बोलूँ कि इंट्यूशन तो पहले से ही था, आप एक ऐसी तरकीब डेवलप कर रहे हैं कि अपनी इंट्यूशन की सुन सके, अपनी इंट्यूशन को जान सके। और जिस दिन आप अच्छे से टैप इन करना शुरू कर लेंगे ना इस इंट्यूशन में, अभी तो जैसे कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी तो ये चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है, तो उस दिन आप इनको पहचान पाएंगे। और उस टाइम तक ना आप इतने स्ट्रांग भी बन जाएंगे कि आप इनको अपनी लाइफ में से बाहर का रास्ता भी दिखा देंगे, चाहे जितने मर्जी नियर एंड डियर वंस हैं आप लोगों के। एक चीज़ को पहचानना और फिर उसके अगेंस्ट एक डिसीजन लेना, दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर आपको पता चल जाए कि ये लोग हैं और आपके इन इन रिश्तों में बैठे हुए हैं, आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप क्या होगे, आप और ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे कि मेरे ही लोग मेरे खिलाफ इतना षड्यंत्र करते हैं। हाँ करते हैं, तो भगवान पता नहीं चलने देते। भगवान इस तरह से लाइफ को बनाते हैं कि इतना भी दुख ना हो जाए इंसान को कि वो टूट के बिखर जाए। तो जब तक आपकी ये इंट्यूशन डेवलप होगी, और अगस्त में ना आपको काफ़ी सारी इंट्यूशन डेवलप होगी, क्योंकि 8-8 पोर्टल की वजह से ना हर किसी की बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग और एनलाइटनमेंट और स्पिरिचुअल जितनी भी जर्नी है वो एकदम से एनहांस हो जाएगी। तो उस टाइम पे भगवान आपको ये सद्बुद्धि तब देंगे जब आपके अंदर हिम्मत भी वो दे दें कि अब ये हैं तो इनसे निपटना कैसे है। अगर मैं बता दूं कि दुश्मन तो ये है और निपटना आपको आए ना, तो फिर क्या फ़ायदा है, इससे तो अच्छा है इग्नोरेंस में रहें। इग्नोरेंस अपने आप में एक ब्लिस है, और यहाँ पे द व्हील है। तो गाइज बहुत खुशखबरी है आप लोगों के लिए, आप लोग अगस्त के मंथ में ना एक हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट करने जा रहे हैं। आपके हैवी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुए हैं यहाँ पे, तभी इतना अंधेरा था। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल में से गुजर रहे हों, आपको लगा हो कि इस रात की तो सुबह होने ही नहीं वाली है, अंधेरा ही अंधेरा है, आपको बहुत बुरा लगा हो, आपको बहुत तकलीफ हुई हो, बहुत कष्ट आपको हुए हों, लेकिन अब भगवान आपके लिए ना एक नया कार्मिक साइकिल शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों के पास पैसा भी होगा, क्योंकि ना व्हील है, द व्हील है। व्हील का क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इन वाले कार्ड्स में इसको व्हील लिखते हैं, अदरवाइज इसका नाम होता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो व्हील यानी कि कार्मिक साइकिल, एक ऐसा कार्मिक साइकिल आपके लिए भगवान घुमा रहे हैं अगस्त के मंथ से, जिसमें आपके पास फिर पैसा भी होगा, दोस्त भी होंगे, प्यार भी होगा, क्योंकि सौभाग्य आएगा, ठीक है। टॉक्सिक लोग आप लोगों को छोड़ के बाई चांस चले जाएंगे, या आप लोग उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। लाइफ में आपकी शांति आएगी, सौहार्द आएगा, प्रेम आएगा, अच्छे रिश्ते आएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से भी आप सोचना चाहें, अगर आपको ड्रीम जॉब चाहिए तो उसके रास्ते बनेंगे, अगर आपको बाहर जाना है तो उसके रास्ते बनेंगे, क्योंकि हर इंसान बाहर जाना नहीं चाहता है, हर इंसान एक सोलमेट नहीं चाहता है, हर इंसान अपने करियर में ही ग्रोथ नहीं चाहता है, तो हर इंसान के अपने अलग अलग सपने हैं। तो जो भी आपके सपने हैं, तो ये यहाँ पे प्रोमिस करता है अगस्त आपको कि ढेर सारे चांसेस हैं उन सपनों के सच हो जाने के। और यहाँ पे एक कार्ड है, और आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपके जितने नेगेटिव कार्ड्स आए हैं उसके मुकाबले में फिर पॉजिटिव कार्ड्स भी बहुत स्ट्रांग वाले आए हैं, और मेजर अरकाना से आए हैं। मेजर अरकाना की ये जो घटनाएं हैं, ये जो आपकी इंट्यूशन डेवलप होती है, ये रोज तो नहीं होती है ना, ये बहुत रेयर घटना है कि किसी इंसान की इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाए। कार्मिक साइकिल कंप्लीट रोज तो नहीं होते है ना, ये भी रेयर घटना है, ठीक है। और ये है कार्ड फूल का। तो अगेन अपनी उसी एनर्जी में आना, उसी बिंदास स्वभाव में आना, उसी हैप्पी गो लक्की, उसी चिरपिंग स्वभाव में आना जो कहीं आपका खो गया था, ठीक है, उसी चीज़ में आ जाना। एक जो ट्रस्ट खो चुके थे आप खुद पे से, आपको दूसरों के साथ भी ट्रस्ट इश्यूज हो चुके थे, वो ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के ठीक होंगे। आप सेल्फ डाउट में आ चुके थे, आप खुद पे यकीन खो चुके थे, तो उस यकीन को आप दोबारा गेन करेंगे। आपने कहीं ना कहीं ना आपका विश्वास उठ गया था भगवान से और इन सब स्पिरिचुअल चीज़ों से, यूनिवर्स से, तो
वो चीज़ें दोबारा से आप लोगों की लाइफ में आएंगी कि नहीं ऐसा नहीं है। लीप ऑफ फेथ लेना, ठीक है, भगवान के भरोसे छोड़ के चीज़ों में आगे बढ़ जाना, ये समझ लेना कि संभालने वाला तो वही है। ये यहाँ पे लीप ऑफ फेथ ले रही है क्योंकि इसको पता है कि ये गिरेगी नहीं, इसे संभालने वाला कोई ना कोई है, कुछ अननोन हैंड्स हैं, अनसीन हैंड्स हैं जो इसको संभाल लेंगे। तो इस तरह का ही आप लोगों का भी थॉट प्रोसेस रहने वाला है या बिलीफ सिस्टम रहने वाला है अगस्त के मंथ में, कि आप कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं। भगवान भरोसे बोलते हैं ना कि भगवान भरोसे मैंने ये चीज़ कर ली लेकिन मुझे आउटकम बहुत अच्छा मिला बाद में। तो भगवान भरोसे, लीप ऑफ फेथ लेके, डिवाइन पे विश्वास करके आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें अगस्त में कर सकते हैं। और यहाँ पे है माउंटेन्स, फाइंड रिलैक्सेशन एंड रेजोल्यूशन। तो आप लोगों को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए है ना लाइफ में, तो आप घूमने भी जा सकते हैं, 2-3 दिन का ट्रिप निकाल लीजिए बाहर ना, और वहाँ पे ना थोड़े शांति में जाके, थोड़े अलग लोगों में जाके, थोड़ा अपना ना एक डायमेंशन हम चेंज कर लेते हैं। लाइक घर में तो जो कयोस है, जो है ठीक है, और लाइफ में जो भी मचा हुआ है, तूफान आया हुआ है, तो वो तो ऐसे ही आया हुआ है। तो 2-3 दिन का आप ट्रिप निकाल सकते हैं, उससे आपको रिलैक्सेशन भी होगी और कोई चीज़ जो दिमाग में चल रही है लगातार लगातार, उसका सोल्यूशन भी मिलने की वहाँ पर संभावना है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, ये आपके लिए गाइडेंस में आया है गाइस। और गंगा है, डिवाइन इंटरवेंशन है। तो मैंने बोला है ना, डिवाइन इंटरवेंशन है आप लोगों के केस में, जब आप भगवान पे भरोसा करेंगे, भगवान पे सब कुछ छोड़ देंगे ना, उसके बाद ही डिवाइन इंटरवेंशन हो पाएगी और ये कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट हो पाएगा। और अगस्त जो मंथ है, सावन का महीना होता है हिंदू पंचांग के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो, सावन का महीना वैसे भी भगवान शिव का, माँ पार्वती का, माँ गंगा का, इन सब का ही, इन सब डिवाइन ब्लेसिंग्स का ही मंथ होता है। तो वो आपको, आप इनकी पूजा भी कर सकते हैं। अगर आप में से कोई लोग हैं जो हिंदू ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं और इन चीज़ों में मानते हैं, मंदिर जाना, पूजा करना, तो आप लोगों के लिए क्लियर गाइडेंस है कि आप कर सकते हैं। अदरवाइज डिवाइन इंटरवेंशन क्या है, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो डिवाइन जो है इंटरवेंशन होगी और डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों को भी मिलेंगी, ठीक है। और यहाँ पे है त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर का कार्ड है। तो दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबलिज्म ऑफ द त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। तो बहुत सारे इल्यूजन हो सकते हैं, बहुत सारी ईगो भी हो सकती है। ईगो क्या है? ईगो एक इल्यूजन है, ईगो एक माया है, भ्रम है, ठीक है। तो ढेर सारा ईगो आपका, आपको लगेगा कि मैं तो ईगो, मेरे में तो है ही नहीं। हम सब में ईगो होती है और हम सब में ईगो होनी भी चाहिए। तो उससे कोई डरने की बात नहीं है कि नहीं मुझ में तो बिल्कुल ईगो नहीं है। भाई अगर नहीं है ना ईगो आप में, तो उसको डेवलप करो। तो यहाँ पे क्या है, दो तरह की ईगो होती है, एक हेल्दी ईगो, एक अनहेल्दी ईगो। तो ये अनहेल्दी ईगो की बात हो रही है और जितना भी माया है, भ्रम है आप लोगों के आसपास ना, वो कटेगा। देखो यहाँ पे शिवा ने भी यही बोला है कि भ्रम काटूंगा मैं अगस्त के महीने में, और मैंने भी यही बोला है इन कार्ड से कि ये जो लोग हैं ना, ये भ्रमित हैं आप लोग, ये आपको भ्रमित करते हैं, आप लोग भ्रमित होते हैं, आप लोग इनको पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि भ्रम है आपका कि ये मेरे अपने हैं। तो ये भ्रम टूटेंगे, इसके लिए भी आपने रेडी रहना है। और जब ये भ्रम टूटते हैं ना, तो बहुत बहुत मुश्किल भी होती है गाइस। गॉडेस सती का कार्ड आया है, इमोशनल कंट्रोल है। तो आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अब जब माता सती ने अग्निदाह कर लिया था तो शिव को कैसा क्रोध आया था, कैसे इमोशनल आउटबर्स्ट हुए थे, कैसे सिर काट दिया था सती माता के पिता का। तो कुछ इस तरह के इमोशनल आपके आसपास भी ना, इमोशनल टर्मोइल हो सकता है, इमोशन से भरे हुए झगड़े हो सकते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट हो सकता है। तो आपको कंट्रोल करने के लिए बोला जा रहा है कि जब लोगों को, लोग आपको इस तरह से इंस्टिगेट करें, जब लोग इस तरह से आपको परेशान करें कि आपको भयंकर प्रचंड क्रोध दिलाने की कोशिश करें, उस टाइम भी आपने उसको काबू करना है, कंट्रोल करना है, इमोशंस में बह नहीं जाना है। अगस्त का महीना मैंने बोला है ना, वो लायंस गेट और 8-8 पोर्टल की वजह से ना एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। तो आप लोग कैसे करेंगे ये सब चीजें? टर्निंग इन मेडिटेशन। जब भी सिचुएशन बहुत खराब होती है, जब भी सिचुएशन बहुत, सिर पे डांस करते हैं लोग हमारे ना, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही चीज बचती है, टर्निंग इन मेडिटेशन। टर्निंग इन का मतलब होता है अंदर जाना, अपने अंदर जाना, यानी कि मेडिटेट करना। ये देखो, ये भूत प्रेत पिशाच चांडाल, ये सब क्या है, क्या है भूत पिशाच चांडाल, क्या है ये एंटिटीज ही है, ये लोग ही है हमारे आसपास के जो हमारे लिए इस तरह की एनर्जी रखते हैं।
ऐसा नहीं है कि कोई भूत पिशाच है आपके आसपास या कोई चांडाल है, ठीक है, या कुछ भी है, उस तरह की चीजें नहीं है। ये एनर्जीज ही होती हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स की ही एनर्जी है। आपके आसपास के लोगों की एनर्जीज आप लोगों के लिए इतनी गंदी है कि वो आपका हर तरह का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं फिलहाल। तो ये कार्ड और ये कार्ड एक ही है, ठीक है। यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स लिखा है, यहाँ पे सिर्फ फोर लिखा है, ये एक ही कार्ड है। यानी कि आप लोगों के लिए फिलहाल एक ही रास्ता है, सरेंडर करना डिवाइन को, प्रेयर करना, कोई सेवा बांध लेना, फिलहाल किसी की भी सेवा करना शुरू कर दो, मंदिर में सेवा देना शुरू कर दो, या फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट मेडिटेशन करो, और कोई चारा नहीं है गाइज। द फूल का कार्ड दोबारा आ गया है, द फूल का कार्ड दोबारा आ गया है। इट मीन्स बहुत जरूरी है आप लोगों का ना अब वापस से अपनी पुरानी एनर्जी में आना। यूनिवर्स आपको कहना चाह रहा है कि आप लोग ना नाहक ही इनके साथ उलझ के ना, लोगों के साथ मोह मोह के धागे बांध के ना परेशान हो रहे हो। आप वैसे ही हो जाओ जैसा इनसे मिलने से पहले थे, बिंदास, एकदम अपनी मस्ती में रहने वाले, मस्त रहने वाले, ठीक है, किसी का कोई परवाह ना मारने वाले, और भगवान के भरोसे जिसकी लाइफ चलती थी वैसे ही हो जाओ दोबारा से। फ्रेंडलीनेस में जाने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहा है, ठीक है, कि लीप ऑफ फेथ भी लेना है, ट्रस्ट भी करना है, अपने साथ फ्रेंडलीनेस को प्रैक्टिस करना है, नए दोस्त बनाइए, घूमने फिरने जाइए, घुलिए मिलिए लोगों के साथ। जो आपने डर बैठाया हुआ है ना, वो नए लोगों के साथ नहीं है, वो इन पुराने लोगों की वजह से है, और आप इनके साथ तो अभी भी हैं, तो आपको नए रिश्ते बनाने की, नए दोस्त बनाने की जरूरत है अपनी लाइफ में। और यहाँ पे है फ्लावरिंग है, जब आप ये सब चीजें कर लेंगे ना, मेडिटेशन कर लेंगे, नए रिश्ते बनाएंगे, लोगों के साथ मिलना जुलना घुलना फिरना शुरू करेंगे, तो फ्लावरिंग का कार्ड है ये, आपकी एनर्जी हो जाएगी। ये हाई प्रिस्टेस वाला कार्ड होता है, जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है तभी आपके रिश्ते अच्छे होते हैं, जब आपके रिश्ते अच्छे होते हैं तभी आपका काम अच्छा होता है, आपकी जॉब अच्छे से चलती है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वर्क लाइफ, ठीक है, और होमली लाइफ, और एक स्विच दबाया वर्क लाइफ ऑन कर दी, एक स्विच दबाया तो जी होम लाइफ शुरू कर दी, ऐसा नहीं है, कोई स्विचेस नहीं है, लाइफ इज लाइफ और वो सब कुछ है। अगर घर से आपका मूड खराब हुआ है तो काम पे आपका मूड खराब रहेगा, काम में अगर बॉस ने आपको डांट दिया है ना तो वो मूड खराब होके घर आएगा। स्विच नहीं है कि वहीं पे स्विच ऑन किया ऑफ किया और छोड़ आए, तो ये तभी हो पाएगा पॉसिबल जब आप इन चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। एक दो चीजें और देखते हैं, इट इज अप टू यू है गाइस। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डिसीजन हैं जो आपको ही लेने हैं। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स का आपको प्रोमिस है कि सिचुएशन आपकी ठीक कर दी जाएगी। इम्प्रूविंग हेल्थ है आपकी, पूरी रीडिंग में ना आपकी हेल्थ की बहुत बैंड बजी हुई है, तो अपना कोई जिम ज्वाइन करें, कोई सैर करें, हेल्दी डाइट लें, कुछ करें अपने लिए ना। और वैसे भी अगस्त के मंथ में आपका एनर्जी, आपका ऑरा भी काफी क्लीन हो जाएगा, तो इम्प्रूविंग हेल्थ का आएगा, बट आप अपने लिए भी कुछ हाथ पैर मारिए ना। एंड इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तो फिर दुनिया आपकी मुट्ठी में है। ये सब ना चीजें जो खराब हुई हैं कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में जाने की वजह से ही हुई हैं, और गलत लोगों को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा एक्सेस देने की वजह से हुई है। तो पाइसेस सोल ट्राइब, ये थी आपकी अगस्त मंथ की रीडिंग। रीडिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, कहाँ कहाँ कब कब किस किस तरह से किस किस चीजों में आप लोगों ने रेजोनेट किया वो भी बताइएगा। रीडिंग को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब बहुत जरूर से कीजिएगा। आप मेरी वीडियोज बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं मुझे और चैनल को, तो दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं कि कभी कभी तो एक कमेंट पढ़ के ना मतलब खून बढ़ जाता है और दिन बन जाता है मेरा। बहुत बहुत प्यार आप दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। और अगर आप कोई हैं जो लाइफ में बहुत स्ट्रक हैं, बहुत स्ट्रगल में हैं, और मुझसे किसी तरह की ना पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो मेरी पेड रीडिंग्स होती हैं, टैरो की रीडिंग्स होती हैं, एस्ट्रोलॉजी के मैं चार्ट्स देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी के मैं सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एडवांस्ड कोर्स किए हुए मैंने हर चीज़ के, तो ढेर सारी और मॉडलिटीज भी हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। हालांकि वीडियोज़ अभी मैं सिर्फ टैरो पे ही लेके आ रही हूँ, तो बाकी सब्जेक्ट भी मैं धीरे धीरे सारी वीडियोज़ लेके आऊँगी, तो वो सब चीज़ों में भी मैं डील करती हूँ। तो एक नंबर रहता है, एक मैं कॉमेंट पिन कर दिया करती हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक नंबर रहता है मोबाइल नंबर, वो मेरी टीम का मोबाइल नंबर है, तो वहां पे कॉल मत कीजिएगा। कॉल आप अगर इसलिए करते हैं कि आपकी मेरे से बात हो जाएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नंबर मेरा है ही नहीं, वो मेरी टीम का नंबर है,
दूसरी बात, उस फोन को वहां पे कोई उठाएगा नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट ही अवेलेबल है। आप वहां पे व्हाट्सएप पे हाय हेलो कुछ भी लिख के भेज देंगे ना, तो टीम आगे से आपको गाइड कर देगी। सो मुझसे बात अगर आपको करनी है तो वो रीडिंग आपकी फाइनल होने के बाद ही हो पाएगी, और पेड कंसल्टेशंस हैं, काउंसलिंग के सेशंस भी मैं देती हूँ। तो अगर आपको उस तरह की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो उस मोबाइल नंबर पे आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। टिल द टाइम बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।